हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैगोर जी जॉब। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की भर्तियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश बिजली वितरण निगम कर रहा है इंजीनियर, अकाउंटेंट, रिव्यू ऑफिसर, नर्स, फार्मासिस्ट, ITI टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और क्या क्या इस फॉर्म की एलिजिबिलिटी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि टाइम टाइम पर आने वाली हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं डिपार्टमेंट पर कि कौन सा डिपार्टमेंट इस भर्ती को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं यहाँ पर जो विभाग लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड इस भर्ती को ऑर्गेनाइज कर रहा है। और उसके बाद हम नज़र डाल लेते हैं इसके नोटिफिकेशन नंबर पर। नोटिफिकेशन नंबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या U37/UPRVUSA/2019। तो ये हुआ डिपार्टमेंट और नोटिफिकेशन नंबर। अब हम बात कर लेते हैं पोस्टों के बारे में। देखिए, इस पूरी नोटिफिकेशन पूरी तरह से हिंदी में लिखी हुई है तो थोड़ा सा समझने में हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि प्योर हिंदी होती है, हिंदी में नहीं प्योर हिंदी होती है, इसलिए समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन हम फिर भी यहाँ कोशिश करेंगे सारी बातों को क्लियर कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने पोस्ट में जो लिखा हुआ है वो पोस्ट है यहाँ पर सहायक अभियंता प्रशिक्षु E&M। देखिए यहाँ पर जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इन्होंने पद दिए हुए हैं उसमें जो विभाग स्ट्रीम्स हैं वो है यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस। देखिए, यांत्रिक में जो पद हैं वो हैं 11, विद्युत में जो पद हैं वो हैं 8, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पद हैं वो हैं 6, इंस्ट्रूमेंटेशन में जो पद हैं वो हैं 3। और ये टोटल पद, और उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने इसी ख में ही दिया हुआ है सहायक अभियंता प्रशिक्षु जनपद। ये यूज़ किया गया है वर्ड सिविल के लिए, और जो सिविल में पोस्टें दी हुई हैं वो पोस्टें दी हैं इन्होंने, देखिए 13। ठीक है दोस्तों, ये हुई ख की। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग कैटेगरी में भी इन्होंने जो पोस्टें दी हुई हैं वो, उसमें सबसे पहले जो पोस्ट है वो है सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। जो उसमें पोस्टें इन्होंने दी हैं वो हैं टोटल 10। उसके बाद जो है स्टाफ नर्स के लिए जो पद दिए हैं वो हैं 18। और उसके बाद है फार्मासिस्ट के लिए के जो पद दिए हैं 17। और देखिए उसके बाद में लास्ट में इन्होंने दिए हैं टेक्नीशियन ग्रेड द्वितीय। ये सभी पद जो भी इन्होंने तीन कैटेगरी में बांटे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी के सभी ITI ग्रेड के हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो फील्ड इन्होंने दी है फीटर, उसके अंदर जो पद दिए हैं 78, इलेक्ट्रीशियन के लिए जो दिए हैं वो दिए हैं 139/139, और इंस्ट्रूमेंट में जो दिए हैं 46/46 पद। तो दोस्तों, अगर हम टोटल इसको काउंट करें इन सभी पदों को तो ये टोटल पद हैं 353। तो ये हुई पोस्टों की बात। अब हम डाल लेते हैं नज़र एजुकेशन एलिजिबिलिटी पर कि कौन क्या एजुकेशन चाहिए आपको इन फॉर्म को भरने के लिए। देखिए, जो पहले 4 पद इन्होंने दिए थे उसमें अगर हम नज़र डालें जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए थे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि आपके पास एजुकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो इंजीनियरिंग से हो। ठीक है दोस्तों, एक क्लियर हुआ। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं परसेंटेज पर कि अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री की है तो इंजीनियर डिग्री में आपकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर किया है कि कोई भी कैंडिडेट जो इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है उसकी परसेंटेज नॉट लेस देन 65% मार्क्स की आपकी जो ग्रेजुएशन में डिग्री में आपकी जो परसेंटेज है वो 65% होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद भी देखिए इन्होंने कहा है कि जो रेगुलर कैंडिडेट हैं सिर्फ वही इस फॉर्म को भर पाएंगे, अगर किसी ने डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री की है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पोस्ट कोड 5 की, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी सिविल में है। और इसमें अगर आप नज़र डालेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है थ्रू नॉलेज ऑफ हिंदी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट इफ द कैंडिडेट हैज़ नॉट, इस सिंपल सी बात इन्होंने ये की है कि आपके पास 10th में हिंदी होनी ही चाहिए।
ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको एक अलग से पेपर देना पड़ेगा और वो क्लियर करना ज़रूरी है। उसके लिए देखिए यहाँ पर इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट दी जो दी है और उसके लिए जो एजुकेशन दी है वो यहाँ पर दी है कि फुल टाइम डिग्री, मतलब सिंपल है, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए सिविल में या कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें भी परसेंटेज सेम है कि आपके 65% होने चाहिए। उसके बाद हम पोस्ट पे आ जाते हैं अकाउंटेंट ऑफिस की, अकाउंट्स ऑफिसर की। देखिए इसमें इन्होंने जो मांगा है वो मांगा है MBA, मैं समराइज करके बता देता हूँ यहाँ पर, MBA विद फाइनेंस अकाउंट या CA, इसकी ये जो एलिजिबिलिटी है। इस पूरे को हम पढ़ेंगे तो वो आपका टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो मैं सिंपल सा बता देता हूँ, MBA विद फाइनेंस या फिर अकाउंट या फिर आपने CA किया हुआ हो, ठीक है। उसके बाद हम नज़र डाल लेते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में भी देखिए इन्होंने सिर्फ इतना सा कहा है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन्होंने कहा है डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया और अदर इक्वलेंट क्वालिफिकेशन, लेकिन आपको टाइपिंग स्पीड भी आनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में कंप्यूटर पर, वो इन्होंने साथ में कहा है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स के लिए देखिए इन्होंने कहा है कि या तो आपके पास ANM या GNM का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने कहा है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ANM बोलते हैं और ANM, हाँ सॉरी, ANM और GNM में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और जो लास्ट पोस्ट इन्होंने बताई है, सॉरी सेकंड लास्ट, फार्मासिस्ट के लिए, उसमें भी इन्होंने कहा है कि आपके पास डिग्री या सॉरी डिप्लोमा, यहाँ पर देखिए आप देखेंगे कि डिप्लोमा फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन नॉट बी एलिजिबल। जो डिप्लोमा इन्होंने मांगा है फार्मासिस्ट में, अगर आपने वो डिस्टेंस एजुकेशन से किया है तो वो मान्य नहीं होगा। उसके बाद जो लास्ट पोस्ट है वो है टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के लिए, इन्होंने सिंपल सा इसमें कहा है कि आपके पास विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उसके बाद आपकी ITI होनी चाहिए, मतलब सिंपल है कि उत्तर प्रदेश से आपने हाई स्कूल पास किया हो जिसमें आपके पास सब्जेक्ट विज्ञान एवं गणित विषय के साथ, ठीक है। तो ये हुई पोस्टों की बात। देखिए यहाँ पर नीचे भी फीटर के बारे में भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में भी है, और एलिजिबिलिटी जो है वो सेम है कि 10वीं के बाद ITI आपके पास होनी चाहिए। लेकिन साथ में इन्होंने कहा है कि आपके पास कंप्यूटर का भी कोर्स होना चाहिए 80 घंटे का, किसी भी फील्ड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 80 घंटे और 80 घंटे का इन्होंने कंप्यूटर कोर्स मांगा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये हुई एजुकेशन की बात। अब हम नज़र डाल लेते हैं एज क्राइटेरिया पर। एज क्राइटेरिया में देखिए इन्होंने मेंशन किया है अलग अलग पोस्ट के लिए, पहली तीन पोस्ट अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक, तो जो मिनिमम एज है वो है 21 साल और जो मैक्सिमम एज है वो है 40 साल। और बाकी के जो नीचे तीन पद बचते हैं उसमें अगर आप एज देखें तो उसमें जो मिनिमम एज है वो है 18 साल और मैक्सिमम जो एज है वो है 40 साल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस की, कि फीस क्या रहेगी। और यहाँ पर देखिए आयु इन्होंने बताया हुआ है कि अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो आपको आयु में छूट मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं हम आवेदन शुल्क की, मतलब एप्लीकेशन फ़ीस की, फॉर्म की फ़ीस क्या है। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हर फॉर्म की फ़ीस सेम है, सभी को एक ही कैटेगरी में रखा है, लेकिन जो सोशल कैटेगरी है अगर आप यहाँ पर देखें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, मतलब SC या ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस जो रहेगी वो 700 रुपये रहेगी। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं साथियों के लिए है, कैंडिडेट्स के लिए है जो कि उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। अगर उसके अलावा कोई भी कैटेगरी है तो उसकी जो फ़ीस रहेगी वो 1000 रुपीज़ रहेगी। देखिए यहाँ पर ध्यान दें, अगर कोई कैंडिडेट SC या ST कैटेगरी से है लेकिन वो UP से नहीं है, उत्तर प्रदेश से नहीं है, तो वो भी जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेपर की, कि आपका पेपर आएगा कैसे। इसमें बहुत बड़ा पैटर्न इन्होंने दिया हुआ है लेकिन हम पूरे को ही एक उसमें समराइज़ करेंगे। देखिए यहाँ सभी पोस्टों के बारे में इन्होंने पेपर के बारे में दिया हुआ है कि किस किस तरह का पेपर होगा, लेकिन जो पैटर्न है पेपर का वो सेम है, उस पर हम एक पे नज़र डाल लेते हैं, वो सारा हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो आपका पेपर होगा पार्ट दो में होगा, वो दो पार्टों में पेपर होगा और जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और पहली चीज़ इसमें पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा, ये यहाँ पर देखेंगे आप टाइप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो दो ही तरीके हैं, एक तो है आपका पहले पेपर होगा, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट डेट की,
सबसे नीचे अगर हम आएँ तो यहाँ पर लास्ट डेट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए ये लास्ट डेट दी हुई है, लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इन लास्ट डेट पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि जो लास्ट डेट हैं वो बदल चुकी हैं। इसके बाद कोरोना वायरस की वजह से जो नया नोटिस आया है उसकी डेट्स अब अलग हैं, क्योंकि 6/4 को लास्ट डेट जा चुकी है। लेकिन अभी जो है अपडेटेड नोटिस है वो ये देखिए, यूपी सरकार का एक नया नोटिस है कोरोना वायरस की वजह से, जिसमें बताया गया है कि जो पहले डेट थी वो 6/4/2020 थी, अब जो बढ़ाकर कर दी गई है 6/5/2020। देख पा रहे हैं आप जी, 6/5/2020। तो ठीक है दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो, और इस वीडियो का जो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा लें, ताकि आपको टाइम से हमारे नोटिफिकेशन सभी तरह के आते रहें और आपसे कोई भी किसी भी तरह की जॉब की इन्फॉर्मेशन ना छूटे। तो ठीक है दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।